पिछले 4 सालों से राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। अब करीब 90% काम पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और अभिषेक करके पूरी दुनिया के दर्शन के लिए राम मंदिर को खोल दिया जाएगा। तो वहीं 24 जनवरी को पीएम मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। लेकिन इस बीच राम मंदिर के पुजारी को लेकर काफी चर्चा हो रही है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी के तौर पर 22 वर्षीय मोहित पांडे का सिलेक्शन हुआ है। इस सिलेक्शन के बाद से वह सुर्खियों में बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है मोहित पांडे और कैसे हुआ है उनका राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में चयन। कौन है मोहित पांडे? मोहित पांडे मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्होंने गाजियाबाद के दुधेश्वर वेद विद्यापीठ से 7 साल तक वेद का अध्ययन किया है। गाजियाबाद से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह तिरुपति स्थित तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से संबंधित श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय से स्नातक कर शास्त्री की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2023 में मोहित ने सामदेव अध्ययन करते हुए मास्टर डिग्री हासिल की है। वह रामनंदीय परंपरा के भी विद्वान हैं। मोहित पांडे को वेद शास्त्र संस्कृत में विशेषज्ञता प्राप्त है। मोहित पांडे ने गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मठ महादेव मंदिर में महंत और दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज की देखरेख में विद्या अध्ययन भी कर चुके हैं। कैसे चयन हुआ है राम मंदिर के पुजारी मोहित पांडे का? मोहित पांडे को अयोध्या श्री राम मंदिर में पुजारी बनने के लिए कठोर चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। अयोध्या मंदिर में पुजारी बनने के लिए देश भर से करीब 3000 आवेदन आए थे, जिनमें से शिक्षा और अनुभव के आधार पर 200 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसके बाद इंटरव्यू के लिए टॉप 50 उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया गया। इसके बाद उन उम्मीदवारों का इंटरव्यू करके उन्हें मंदिर में पुजारी पद का नियुक्ति पत्र दिया गया। इन सभी उम्मीदवारों में मोहित पांडे ने टॉप किया था। इन उम्मीदवारों का चयन किसने किया है? राम मंदिर के पुजारी चयन का जिम्मा वृंदावन के संत जयकांत मिश्रा और अयोध्या के दो महंत सत्यनारायण दास और नंदिनी शरण को दिया गया था। चयन किए गए सभी उम्मीदवारों के 6 महीने की अनिवार्य ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग खासकर उनकी क्षमताओं को निखारने और उनके पद की जिम्मेदारी समझाने के लिए दी जा रही है। इस दौरान उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए उन्हें जरूरी सभी संसाधन भी उपलब्ध करवाए गए थे। राम मंदिर के पुजारियों को कितनी सैलरी मिलेगी? श्री राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के हवाले से मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नियुक्ति के बाद मंदिर के मुख्य पुजारी को 32,900 रुपये और सहायक पुजारी को 31,000 रुपये वेतन मिलेगा। इससे पहले यह वेतन क्रमशः 25,000 रुपये और सहायक पुजारी को 20,000 रुपये था। अब इसमें इंक्रीमेंट किया गया है। कौन है सत्येंद्र दास जिनके देखरेख में काम करेंगे मोहित पांडे? आचार्य सत्येंद्र दास अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। इनकी उम्र 83 साल है। ये पिछले 31 सालों से राम मंदिर जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और 1992 में बाबरी विध्वंस में लगभग 9 महीने पहले ही आचार्य सत्येंद्र दास यहाँ पुजारी के रूप में रामलला की पूजा कर रहे हैं। कहा जाता है कि 1992 में जब इनकी राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा के लिए इनकी नियुक्ति हुई थी, तब इन्हें वेतन के रूप में 100 रुपये प्रतिमाह मिलते थे। आचार्य सत्येंद्र दास जी साधु बनना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया और साल 1958 में अयोध्या आ गए थे। उसके बाद से ही वह राम मंदिर में पूजा कर रहे हैं। तो ये थी राम मंदिर के मुख्य पुजारी चुने गए मोहित पांडे से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।